दीदी, इस साल भाई दूज में मेरे लिए मिठाई बनाएगी ना? और तारा हंसते हुए जवाब देती थी, जरूर सोनू, भाई दूज में मैं तेरे लिए मिठाई ना बनाऊं, ये तो हो ही नहीं सकता। भाई दूज के दिन तारा, सोनू और उनके माता पिता एक साथ खाना खाने बाहर जाते थे, लेकिन आज तारा के लिए सब कुछ बस यादें हैं। वो फटे हुए कपड़ों में रास्ते पर बैठकर रो रही है। ये क्या हुआ मेरे साथ, हे भगवान, ये क्या हुआ मेरे साथ, क्यों हुआ, क्यों मेरा सब कुछ खो गया, वापस लौटा दो भगवान, मेरा भाई मुझे वापस कर दो। आज से एक साल पहले तारा के गांव में अचानक से बाढ़ आ गई, घर टूटने लगे, तारा और सोनू के भी घर टूट गए और वो लोग पानी में बहने लगे। उनके माता पिता ने हाथ पकड़े रहने की बहुत कोशिश की, लेकिन उनका हाथ छूट गया और वो लोग बहते चले गए। वो लोग बस इतना बोल पाए, तारा बेटी, अपने भाई का ख्याल रखना, हमेशा एक साथ रहना, अपने भाई का हाथ कस के पकड़े रहना। उसके बाद तारा ने अपने माता पिता को नहीं देखा। उस हालत में वो कुछ समझ ही नहीं पा रही थी कि तभी सोनू ने रोना शुरू कर दिया। दीदी, माँ बापू बह गए, अब हमारा क्या होगा दीदी, माँ बापू। भाई रो मत, हमें एक साथ रहना होगा, मेरा हाथ कस के पकड़ ले। लेकिन तभी पानी की एक तेज लहर आई और उन दोनों के हाथ छूट गए। भाई, दीदी। तारा बहकर कहीं चली गई तो सोनू कहीं और। उसके बाद से तारा ने सोनू को नहीं देखा और फिर बेहोश हो गई। उसकी जब आंख खुली तब वो शहर के किसी अस्पताल में भर्ती थी। पहले तो वो कुछ समझ नहीं पाई, मैं कहाँ हूँ। तब एक नर्स ने कहा, तुम शहर के अस्पताल में हो, मैं यहाँ कैसे आई। तुम बेहोश होकर नदी में बह रही थी, कुछ लोगों ने देखकर तुम्हें उठाया और फिर अस्पताल में एडमिट किया, इसीलिए आज तुम जिंदा हो। मेरा भाई कहाँ है, वो हमें क्या पता, अब जल्दी से अस्पताल का बिल भरो और निकलो। बिल, लेकिन मेरे पास तो पैसे नहीं है। हाँ तो परिवार वालों को कॉल लगाओ, वो आके बिल भरेंगे। परिवार वाले नहीं है, बाढ़ में सब कुछ तहस नहस हो गया। ये सुनकर नर्स गुस्सा हो गई, तारा अस्पताल का बिल नहीं भर पाएगी। ये सुनकर नर्स ने तारा को तभी लात मारकर अस्पताल से निकाल दिया। अगले दिन राधा को जब तेज भूख लगी और होटल में खाना मांगने पर जब किसी ने खाना नहीं दिया, तब तारा को बहुत अच्छे से समझ में आ गया कि ये दुनिया सिर्फ और सिर्फ पैसों पर चलती है। मुझे अगर जिंदा रहना है तो पैसा कमाना होगा, मुझे अपने भाई और माता पिता को ढूंढना होगा, मैं उन लोगों को ढूंढ कर ही रहूंगी। तारा पैसा कमाना चाहती थी, लेकिन वो बस 5 साल की थी और उसके पास कोई तजुर्बा भी नहीं था, लेकिन फिर भी वो घर घर जाकर काम मांगने लगी। साहब, साहब, आप लोगों को काम वाली बाई की जरूरत है क्या? जरूरत तो है, लेकिन काम वाली बाई की, बच्ची की नहीं। जा भाग यहाँ से, पता नहीं कहाँ कहाँ से चले आते हैं। सभी ने तारा को बच्चा कहकर भगा दिया। तारा को समझ में आ गया कि उसे कोई काम नहीं देने वाला है, इसीलिए उसने भीख मांगना शुरू कर दिया। भगवान के नाम पर कुछ दे दो साहेब, भगवान आपका भला करेगा, भगवान के नाम पर कुछ दे दो साहब। तारा पूरा दिन इधर उधर जाकर भीख मांगती रही और शाम को उन पैसों से खाना खरीद कर खाने के बाद आसमान के नीचे फुटपाथ पर सो जाती और अपने माता पिता और भाई का चेहरा याद करके रोती रहती थी। माँ बापू, आप लोग कहाँ हो, मैं और कभी भी आप लोगों से मिल पाऊंगी या नहीं। भाई तू कहाँ है रे, मेरे पास आ भाई, हम दोनों बहुत मजे करेंगे, एक साथ रहेंगे। ये कहते हुए तारा की आंखों से आंसुओं की तेज धारा बहती रहती थी। ऐसे ही एक साल बीत गया और भाई दूज का दिन आ गया। भाई, पिछले ही साल आज के दिन कितना मजा किया था हम दोनों ने, और आज मैं कहाँ और तू कहाँ, लेकिन मैं भाई दूज मनाऊंगी। तारा ने मिट्टी से एक मूर्ति बनाई, उस मूर्ति का चेहरा बिल्कुल सोनू जैसा था, लेकिन भाई दूज में मिठाई बनाने के लिए तारा के पास कुछ भी नहीं था, इसीलिए वो दुकान से दूध मांगने गई। एक दूध का पैकेट दे दीजिए ना, आज भाई दूज है और मेरे भाई के लिए मिठाई बनानी है। ये सुनकर दुकानदार हंसने लगा। हट भिखारिन कहीं की, पागल हो गई है क्या, आज तक तो तेरे भाई को देखा नहीं हमने, कहाँ है वो। मुझे खुद पता नहीं कि वो कहाँ है, लेकिन मुझे पक्का यकीन है कि वो जिंदा है। तो फिर भाई दूज कैसे मनाएगी। मैंने एक मूर्ति बनाई है बिल्कुल भाई के जैसी, उसी के साथ भाई दूज मनाऊंगी। ये सुनकर आसपास के लोग भी तारा पर हंसने लगे।
सभी ने तारा को पागल समझा, लेकिन तारा के मन में क्या चल रहा था वो सिर्फ वही जानती थी। दुकानदार ने तारा को दूध का पैकेट दिया और तारा ने दूध से लकड़ी के चूल्हे पर खीर बनाई और फिर उस मिट्टी की मूर्ति को खीर खिलाने लगी। ये ले भाई, खा ले, मैंने तेरे लिए खीर बनाई है, खाकर तो देख, बहुत अच्छी बनी है। तारा को ऐसे देखकर आसपास के अमीर बच्चे जोर जोर से हंसने लगे। वो लड़की पागल हो गई है। तारा ने बहुत देर तक उस मूर्ति को खीर खिलाने की कोशिश की और फिर खुद ही खीर खाकर उस मूर्ति के पास सो गई। उसकी आंखों में नमी थी और उसके मन में उदासी। आज के दिन पहली बार वो अपने परिवार से दूर थी। उसे पता भी नहीं था कि उसके परिवार के लोग जिंदा हैं भी या नहीं। उसे नहीं पता था कि भगवान ने उसके नसीब में क्या लिखा था। हे भगवान, मेरे नसीब में और क्या क्या लिखा है। मैं अपने भाई से मिलना चाहती हूँ, अपने परिवार से मिलना चाहती हूँ। प्लीज भगवान, प्लीज प्लीज मुझे अपने परिवार से मिला दीजिए। पिछले साल तारा ने इस साल के भाई दूज के लिए बहुत कुछ प्लान करके रखा था, लेकिन सब कुछ उल्टा ही हो गया। लेकिन वो कहते हैं ना, जब आपके प्लान के मुताबिक कुछ ना हो तब उदास नहीं होना चाहिए। इसका मतलब भगवान ने आपके लिए कुछ बेहतर प्लान करके रखा है। तारा को नहीं पता था कि उसका परिवार अभी भी जिंदा है और सुरक्षित है, और वो लोग भी तारा को ढूंढ रहे हैं। वो लोग भी इसी शहर में थे। असल में तारा से हाथ छूट जाने के बाद सोनू बहते हुए एक पेड़ के पास पहुंच गया था और उसके माता पिता उसी पेड़ की डाल पकड़ कर जिंदा रहने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने सोनू को पकड़ लिया, लेकिन सोनू चिल्ला रहा था, दीदी दीदी कहाँ है दीदी। चिंता मत कर सोनू, भगवान ने चाहा तो तारा हमें मिल जाएगी। भगवान हमारे साथ इतना भी बुरा नहीं करेंगे, तारा हमें जरूर मिल जाएगी। बाढ़ ठीक होने के बाद तारा को ढूंढते हुए वो तीनों भी शहर चले आए थे, लेकिन ये शहर बहुत बड़ा है। यहाँ एक खोई हुई बच्ची को ढूंढना बहुत मुश्किल काम है। ऊपर से अगर पता ही ना हो कि वो लड़की जिंदा है भी या नहीं। उधर सोनू और उसके माता पिता तारा को ढूंढ रहे थे और यहाँ तारा खीर बनाकर मिट्टी के पुतले को खिलाने की कोशिश कर रही थी। उसने एक कटोरी खीर रख दी थी। मुझे पता है मेरा भाई आएगा, मेरा भाई खीर खाने जरूर आएगा। लेकिन तभी एक गरीब बूढ़ा भिखारी वहाँ आया। बेटी, खीर की खुशबू आ रही है, तुमने बनाया है क्या? हाँ, मैंने ही बनाया है। मुझे खिला सकती हो बेटी? मैंने दो दिन से कुछ नहीं खाया है। लेकिन ये खीर तो मेरे भाई के लिए है। वो बूढ़ा चला ही जा रहा था, लेकिन तारा ने उसे बुलाया। रुक जाइए, ये लीजिए खीर, किसी का तो पेट भरे इससे। उस बूढ़े आदमी ने खुशी खुशी खीर खा लिया और कहा, वाह बेटी, तुम्हारा मन बहुत बड़ा है, मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। तारा उस बूढ़े आदमी के साथ चलने लगी। कुछ देर चलने के बाद वो बूढ़ा आदमी भगवान के मंदिर के सामने चला आया और बोला, बेटी अब तुम मंदिर के अंदर चली जाओ। हाथ में खाली खीर की कटोरी लेकर तारा मंदिर के अंदर चली गई और वो ताज्जुब में पड़ गई। उसने देखा भगवान के सामने उसके माता पिता और भाई सोनू बैठा है। वो तीनों भगवान से मन्नत मांगने आए थे। सोनू, माँ, बापू, दीदी। तारा और सोनू ने एक दूसरे को गले लगा लिया। भाई दूज के दिन ही एक भाई और बहन फिर से एक हो गए। तारा ने देखा उसकी कटोरी फिर से खीर से भर गई है। अरे ये कैसे हुआ, ये कटोरी तो खाली थी। तारा ने बाहर जाकर देखा तो वो बूढ़ा आदमी गायब है। उसे सब कुछ समझ में आ गया। वो बूढ़ा आदमी स्वयं भगवान थे। भगवान ने आज के दिन उसे अपने भाई और परिवार से मिला दिया। तारा ने सोनू को खीर खिलाई। ये उसकी जिंदगी का सबसे अच्छा भाई दूज बन गया और सभी गांव लौट आए और उसके बाद से सभी खुशी खुशी रहने लगे। मेरा प्यारा भैया, अरे राजू तू रो क्यों रहा है? दीदी मुझे माँ बाबा की बहुत याद आ रही है, आप तो माँ बाबा की तरह मुझे छोड़कर नहीं जाओगी ना कभी? नहीं राजू, आज तो भाई दूज है ना, आज के दिन ऐसी बातें नहीं करते। मैं तुझसे वादा करती हूँ, मैं हमेशा तेरे साथ रहूँगी और तेरा ख्याल रखूँगी। आंटी ने बताया था ना कि अभी कुछ लोग आने वाले हैं हमसे मिलने, अगर हम उन्हें पसंद आ गए तो वो हमें अपना लेंगे, फिर वो हमारे माँ बाबा बन जाएंगे। तू चुप हो जा, चल तुझे तेरी कविता फिर से याद करवा देती हूँ, अच्छे से सुनाना उन्हें। माला और राजू भाई बहन थे। एक रोड एक्सीडेंट में उन्होंने अपने माता पिता को हमेशा के लिए खो दिया था। रिश्तेदारों ने दोनों बच्चों की जिम्मेदारी लेने के बजाय इन्हें अनाथ आश्रम में छोड़ दिया। माला बड़ी थी, वो अपने छोटे भाई राजू से बहुत प्यार करती थी। उस दिन वो दिल से चाहती थी कि उन दोनों को एक परिवार मिल जाए। अनाथ आश्रम में एक पति पत्नी आने वाले थे।
उन्हें बच्चा गोद लेना था। इसके लिए माला और राजू ने पूरी तैयारी कर रखी थी। बेटा क्या नाम है आपका? राजू। आपका नहीं बेटा, मैंने तो इस प्यारी सी गुड़िया का नाम पूछा था। मेरा नाम माला है। अरे वाह, बहुत ही प्यारा नाम है आपका तो। क्या आप मेरे साथ चलोगी? मेरे पास बहुत सारे खिलौने हैं और बहुत सारा मेकअप का सामान भी है। हाँ हाँ, मैं चलूंगी आपके साथ। अरे वाह राजीव, मुझे अपनी गुड़िया मिल गई है। ये है वो हमारी माला। माला, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो फिर चलो बेटा, अपना सामान ले लो और जल्दी से चलो हमारे साथ। चल राजू, अपना सामान लेते हैं। माला राजू के साथ अपना सामान पैक करने लगती है। दोनों बच्चे बहुत खुश थे। तभी माला राजू से कहती है, राजू तू यहीं रुक, मैं आंटी को ये किताबें देकर आती हूँ। ये उन्होंने दी थी हमें, जाने से पहले उन्हें वापस करनी चाहिए। माला अनाथ आश्रम की केयरटेकर के पास जाने लगती है, लेकिन वहाँ पर उसे गोद लेने वाले पति पत्नी राजीव और कविता पहले से ही मौजूद थे। वो केयरटेकर से बात कर रहे थे। माला ये देखकर कमरे के बाहर ही रुक जाती है। देखिए, आपको इस बारे में माला को पहले ही बता देना चाहिए था। राजू उसका छोटा भाई है, वो उससे बहुत प्यार करती है, वो कभी भी उससे दूर नहीं होना चाहेगी। आप दोनों बच्चों को गोद क्यों नहीं ले लेते? नहीं, हमें बस एक बच्चा ही चाहिए और वो भी माला। मुझे वो देखते ही पसंद आ गई थी। दरवाजे के बाहर खड़ी माला सारी बातें सुन रही थी। उसके हाथों से सारी किताबें जमीन पर गिर जाती हैं। वो रोने लगती है। कविता जाकर उसे समझाती है। माला ऐसे नहीं रोते बेटा, तुम फिक्र मत करो। तुम देखना, जल्दी ही राजू को भी बहुत अच्छे मम्मी पापा मिल जाएंगे। हमें माफ कर दो, हम राजू को अपने साथ नहीं ले जा सकते, हम मजबूर हैं। फिलहाल हम एक ही बच्चे का ख्याल रख सकते हैं। अगर ऐसा है तो आप मेरी जगह राजू को अपने साथ ले जाइए। क्या, ये क्या कह रही हो बेटा? प्लीज आंटी, राजू छोटा है, उसे मम्मी पापा की बहुत जरूरत है। आप उसे अपने साथ ले जाइए और उसे बहुत प्यार करना, मैं यही चाहती हूँ। कविता और राजीव एक दूसरे की तरफ देखते हैं। वो माला की बात मान लेते हैं और राजू को अपने साथ ले जाते हैं। राजू माला को छोड़कर नहीं जाना चाहता था, पर माला उसे किसी तरह समझाकर भेज देती है। वो राजू का भविष्य संवारना चाहती थी, इसलिए उसने एक बार भी अपने बारे में नहीं सोचा। उसने राजू को खुद से तो दूर कर दिया था, पर एक पल भी ऐसा नहीं होता था जब उसे राजू की याद न आती हो। ऐसे ही 2 साल गुजर गए, पर अचानक अनाथ आश्रम चलाने वाले ट्रस्ट ने आश्रम बंद कर दिया। कई बच्चों के साथ साथ माला के सर से भी छत छिन गई। माला ने हिम्मत नहीं हारी और वो गुब्बारे बेचकर अपना गुजारा करने लगी। वो और अनाथ आश्रम के कुछ बच्चे फुटपाथ पर ही रहने लगे। माला को अब भी राजू की बहुत याद आती थी। दूसरी तरफ राजू के दिन बदल गए थे, उसे किसी चीज की कमी नहीं थी। कविता और राजीव उसे बहुत प्यार भी करते थे। अब राजीव की माली हालत भी पहले से अच्छी हो गई थी। राजू शहर के सबसे अच्छे स्कूल में पढ़ता था। हालांकि इस सब के बावजूद वो भी माला को बहुत याद करता था। फिर एक दिन, राजू चलो बेटा स्कूल बस आती ही होगी। मम्मी मुझे स्कूल नहीं जाना। अरे क्या हुआ बेटा, स्कूल क्यों नहीं जाना? मैंने देखा तुमने ब्रेकफास्ट भी अच्छे से नहीं किया, क्या बात है? पता नहीं दीदी ने ब्रेकफास्ट किया भी होगा या नहीं। राजू की बात सुनकर कविता भी उदास हो जाती है। इससे पहले भी उसने कई बार राजू को माला को याद करके रोते हुए देखा था। वो उस वक्त तो राजू को किसी तरह समझाकर स्कूल भेज देती है, लेकिन बाद में वो अपने पति राजीव से इस बारे में बात करती है। राजीव, राजू आज भी माला को याद कर रहा था। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई राजीव। नहीं कविता, ऐसा मत सोचो, उस वक्त हमारी मजबूरी थी। तुम ही बताओ मैं क्या करूं? अब तो वो अनाथ आश्रम भी बंद हो चुका है, पता नहीं वो बच्ची कहां होगी। हमें राजू को समझाना होगा। कविता को राजू की फिक्र हो रही थी। राजू माला को बहुत याद करता था, वो हर वक्त उदास रहने लगा था, किसी भी काम में उसका मन नहीं लगता था। उस दिन वो जैसे ही स्कूल बस से उतरकर स्कूल की तरफ जाने लगा, अचानक उसका पैर एक बड़े पत्थर से टकरा गया। वो जमीन पर गिरने ही वाला था कि अचानक उसे किसी ने बचा लिया। उसे बचाने वाली कोई और नहीं बल्कि माला ही थी। वो राजू के स्कूल के बाहर गुब्बारे बेच रही थी। उसने राजू का चेहरा नहीं देखा और उसके कपड़े साफ करने लगी। राजू ने पहली नजर में ही माला को पहचान लिया और रोते हुए उससे बोला, दीदी आखिर गॉड ने मेरी प्रेयर सुनी ली, तुम मुझे मिली गई। राजू मेरा प्यारा भाई, कैसा है तू? बहुत अच्छा हूँ दीदी, देखो ना मैं इसी स्कूल में पढ़ता हूँ। मम्मी पापा मुझे बहुत प्यार करते हैं। और आप ये गुब्बारे ये किसके लिए हैं दीदी? और आपके कपड़े इतने गंदे क्यों हैं? माला के पास राजू के सवालों का कोई जवाब नहीं था। वो राजू से अपने हालात छिपा लेती है और सारे गुब्बारे राजू को दे देती है। फिर राजू उससे कहता है, दीदी अब सब अच्छा हो गया ना? मम्मी पापा तो पहले ही मिल गए थे और अब तुम भी मिल गई। हम सब साथ रहेंगे अब से। तुम मेरे साथ मेरे कमरे में ही रहना, हम दोनों खूब मस्ती करेंगे। पता है मेरे पास बहुत सारे खिलौने हैं। राजू की बात सुनकर माला को पुरानी बातें याद आ जाती हैं।
उसे यही लगता था कि कविता और राजीव अब भी दो बच्चों को नहीं पाल सकते थे। वो किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती थी, साथ ही वो राजू की अच्छी परवरिश में रुकावट भी नहीं बनना चाहती थी। उसने राजू से कहा, नहीं राजू, हम साथ नहीं रह सकते, हम दोनों की दुनिया अलग है। मैं जहाँ हूँ ठीक हूँ, तू मुझसे वादा कर, तू किसी को नहीं बताएगा मेरे बारे में, चाहे जो हो जाए। पर क्यों दीदी, हम साथ क्यों नहीं रह सकते? देख, अगर तू चाहता है कि मैं तुझसे मिलने रोज यहाँ हूँ, तो तुझे मेरी बात माननी ही होगी। राजू माला की बात मान लेता है, वो किसी को माला के बारे में कुछ नहीं बताता। माला हर रोज स्कूल से बाहर उससे मिलने लगी, दोनों सबकी नजरों से छिप कर मिलते थे। राजू अब खुश रहने लगा था, ये देखकर कविता और राजीव भी बहुत खुश थे। कई दिनों तक ऐसे ही चलता रहा। फिर एक दिन, दीदी आपके पास चप्पल नहीं है क्या? है ना, वो मेरे पैर में चोट लग गई थी तो चप्पल से दुख रहा था बहुत, इसलिए नहीं पहनी। अच्छा सुन, कल भाई दूज है, तेरे घर के पास जो मंदिर है ना, तू कल सुबह वहाँ जाना, मैं वहीं तुझे टीका करूँगी। लेकिन तू घर पर क्या बोलेगा? तुम उसकी चिंता मत करो दीदी, मैं मम्मी को बोल दूंगा कि अपने दोस्त के घर जा रहा हूँ, वो कुछ नहीं कहेगी। अगले दिन राजू खुद ही सुबह जल्दी उठ जाता है। ये देखकर कविता चौंक जाती है और उससे पूछती है, अरे राजू क्या बात है बेटा, आज तुम खुद ही इतनी जल्दी उठ गए? हाँ मम्मी, वो मुझे अपने फ्रेंड शिवम के घर जाना है खेलने के लिए। मम्मी मुझे 100 रुपीज भी चाहिए, आप दे दोगे ना? 100 रुपीज? लेकिन क्यों चाहिए बेटा? वो मम्मी, वो मुझे अपने शिवम के लिए एक गिफ्ट खरीदना है, उसका बर्थडे है आज। कविता राजू को पैसे तो दे देती है, लेकिन उसे राजू की बातों पर यकीन नहीं था। वो राजीव को इस बारे में बताती है और फिर दोनों चुपचाप राजू का पीछा करने लगते हैं। राजू सबसे पहले एक दुकान से माला के लिए चप्पल खरीदता है और फिर मंदिर की तरफ जाने लगता है। माला और राजीव ये सब देखकर चौंक जाते हैं और राजू का पीछा करते हैं। मंदिर में राजू माला से मिलता है, फिर माला मंदिर में माता रानी के चरणों से थोड़ा सिंदूर लेकर राजू को भाई दूज का टीका करती है और माता रानी के प्रसाद से ही एक लड्डू उठाकर राजू को खिलाती है। फिर राजू माला को नई चप्पल देते हुए कहता है, ये लो दीदी, ये तुम्हारे लिए, तुम्हें तो झूठ बोलना भी नहीं आता, मुझे पता है तुम्हारे पास चप्पल नहीं है ना। राजू की बात सुनकर माला की आंखों में आंसू आ जाते हैं, वो राजू को गले से लगा लेती है। तभी पीछे से कविता और राजीव दोनों के सामने आते हैं। उन दोनों को देखकर माला घबरा जाती है और उनके सामने हाथ जोड़कर कहती है, माफ कर दीजिए, इसमें राजू की कोई गलती नहीं है, मैं इसे भाई दूज का टीका करना चाहती थी, बस अब मैं कभी इससे नहीं मिलूंगी पक्का। मिलोगी नहीं तो हर साल भाई दूज का टीका कैसे करोगी उसे? वैसे तुम्हें कहीं आने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि अब तुम एक साथ जो रहने वाले हो। क्या, ये आप क्या कह रहे हैं? सच कह रहे हैं बेटा, एक बार तुम दोनों को अलग करने की गलती कर चुके हैं, हम दोबारा नहीं करेंगे, अब से तुम भी हमारी बेटी हो। मैं ठीक कह रहा हूँ ना कविता? कविता की आंखों में आंसू थे, वो बहुत खुश थी, उसे तो माला पहले से ही पसंद थी। राजीव और कविता माला को अपने साथ अपने घर लेकर जाते हैं और उसके बाद से सब कुछ बदल जाता है। अब माला और राजू दोनों बहुत खुश थे, वो दोनों एक दूसरे के साथ जो थे